अस्सलामु अलैकुम। रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन की सब्जी, बैंगन का मसाला। इसके लिए मैंने देखो ऐसे बैंगन लिए हैं और ऐसे पीसेस में से कट किया है, क्योंकि ये मैं टिफ़िन में दे रही हूँ। ये देखिए आपको कैसे कट करने हैं, वैसे आप इसे कट कर सकते हो। ये मैंने 6 बैंगन लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई रखी है, इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल, डाल देंगे अब हम इसमें ये जीरा डाल देंगे। ऐसा नहीं कि आप इसे टिफिन में ही दे सकते हो, आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, लंच में, डिनर में, जब चाहे आप इसे खा सकते हो। अब मैंने लिए यहाँ पे एक प्याज ली है, उसे चॉप किया है, वो हम इसे डाल देंगे। अच्छे से हम भून लेंगे। देखो मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ये मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक है, यहाँ पे मैंने कांदा लहसुन रेड चिली पाउडर लिया, आपके पास जो भी होगी घर का मसाला वो आप ले लेना, वो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। और ये हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून हल्दी है। इसे हमने अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसके अंदर ये बैंगन डाल देती हूँ। और इसे मिक्स कर लेते हैं। मैंने अच्छे से पूरा मिक्स किया है। अब मैंने लिए यहाँ पे ये 3 बड़ा चम्मच पीसी हुई मूंगफली ली है, वो डाल देंगे। ये आपको जितना चाहिए उतना आप इसमें डाल सकते हो, कम ज़्यादा। मेरे बच्चों को मसाला बहुत पसंद है मूंगफली का, इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। और हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो इसे अच्छे से उबाल आया है। गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और इसे ढक करके 10-15 मिनट रख लेंगे, ताकि जब तक हमारे ये बैंगन गल जाएंगे तब तक हमें इसे रखना है। ये देखिए ये बैंगन की सब्जी हमारी रेडी हो गई। मैं अब गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये आप गेहूँ की रोटी के साथ खा सकते हो, ज्वारी की रोटी के साथ खा सकते हो, बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हो, जिससे चाहे आप इसे खा सकते हो। ये टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है, आप भी ज़रूर इसे बनाना। जितना चाहे मसाला आप इसमें मूंगफली पीसी हुई डाल सकते हो, या आपको डालना भी कुछ भी नहीं डालना हो तो आप ऐसे ही इसे बनाकर खा सकते हो बगैर पीसी हुई मूँगफली के। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा हरा धनिया। मेरी रेसिपी अगर आप भी ज़रूर इसे बनाना और टेस्ट करके मुझे बताना है कैसी लग रही है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरी अगर आवाज़ में थोड़ा कम ज़्यादा धीरा ये हुआ होगा ना, तो क्योंकि मैं ये सुबह के 5 बजे बना रही हूँ, सब लोग सोए हैं, तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी कम है। और ये सब्जी आप कुकर में भी बना सकते हो, तो मैंने पहले ही बताया कि मैं कितने बजे बना रही हूँ, इसलिए मैंने कुकर नहीं लगाया, मैंने इसे कढ़ाई में ही बनाया है। अगर आप चाहें तो आप इसे कुकर में बना सकते हो। चलो अल्लाह हाफिज़।